हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीज़ा। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक बेस से चार कलर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे बेस कलर अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट का यूज़ करूँगी। जी जनाब, तो मेरे पास है जी ये मैक का पैनकेक। मैक के नाम से ये मार्केट में आता है। ये आपको मार्केट में इजीली 350 to 400 की रेंज में इजीली अवेलेबल है। कलर्स बहुत अच्छे हैं। इसकी पिगमेंटेशन जो है वो bomb.com है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी एक अलग रिव्यू वीडियो बना दूंगी कि इससे फ्लॉलेस बेस कैसे बनाई जाए, क्योंकि ये आजकल जो पॉलर्स वगैरह है उनमें काफी यूज हो रही है। ये जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमें चाहिए होगा एक ब्लशन किट, जिसे हमने कलर पिक करने हैं। अगर ब्लशन किट है तो वेल एंड गुड, वरना हम अपनी जो आई शेडो पैलेट है उससे भी कलर को पिक कर सकते हैं। अगर आपका पॉलर है तो ये है कि आप अपने क्लाइंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैक का एवरी शेड लिया है जी। तो सबसे पहले इसका हम ओरिजिनल स्वैच चेक कर लेते हैं कि ये कैसा शेड है, ताकि जब हम बाकी के शेड्स बनाएं तो विजिबल डिफरेंस नज़र आए पहले इसका कलर, पहले के कलर में और बाकी के शेड्स में। तो इसको मैंने वेट कर लिया है, और इसको वेट करने के बाद मैं अपने बाजू पे आपको इसका स्वैच करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फेयर सा शेड है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पीची पिंक शेड में। सर, हमने काशिज की ब्राइडल की जो बेस है उसको देखा है, वो पीची पिंक सी दिखती है, जो कि गर्ल्स को काफ़ी पसंद आती है। तो सबसे पहले हम वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक लाइट पिंक कलर, ब्लश पैलेट में से हम पिक कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे जी बेस अपने फेस के हिसाब से, और इससे कर लेंगे जी मिक्स 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 मिक्स। इतना मिक्स करना है कि अच्छे से इसकी जो पाउडर की कंसिस्टेंसी है वो बेस में मिक्स हो जाए, और वो बिल्कुल भी उसमें कोई स्टेन ना रहे। तो ये देखें जी, हमारा जो न्यू शेड है वो बनके तैयार है। अगर आपको इसमें पिंक टोन कम या ज़्यादा लगे तो आप कलर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि काशिज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आपको मेकअप से खेलना आना चाहिए। ऑन करते हैं हमारे सेकेंड शेड पर। उसके लिए मैंने यहाँ पर डार्क पिंक शेड लिया है, और इसको मैं सेम मैक बेस के साथ ऐड करके एक और कलर डेवलप करने लगी हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ जी। अगर आपका सैलॉन है और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट आते हैं, तो आप उन क्लाइंट के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल करके उनके रिजल्ट अचीव कर सकती हैं। आपके पास क्लाइंट पिंक अंडरटोन में आ रहा है तो आप इस तरह से एक पिंक बेस इमिडिएटली बना सकते हैं। एक एवरी शेड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिक्रिएट कर सकें। नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपके पास डस्की स्किन टोन का क्लाइंट आ जाता है, या आप खुद डस्की या विटिश स्किन टोन रखती हैं, तो आप फेयर शेड को कैसे अपने टोन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है जी, टोरिंग किट से आपने ब्राउन शेड को पिक करना है, और अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जितना आपको रिक्वायर है अमाउंट वो ऐड करके आपने कलर बना लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारा फोर्थ कलर हो गया, जो कि ब्राउनिश शेड में है। तो इस तरह से हम एक बेस से हमने देखा कि हम कैसे तीन मजीद नए कलर डेवलप कर सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो गाइज। आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।